हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश विभाग ने, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने CCH में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध में सर्टिफिकेट कोर्स इन CCH में प्रवेश के लिए कम्युनिटी हेल्थ अफसर की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए हैं, जिसका नियम पुस्तिका दोस्तों 2021-22 के अनुसार है। तो आप इसकी जो वेबसाइट है सेम्स में जा कर के खुद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ मोटी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है जानकारी। रूल बुक में देख लेते हैं, 2021-22 की रूल बुक है जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए नियुक्त के लिए है। जो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की बात किए गए, तो कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश है तो आपको BSc नर्सिंग या तो GNM और या तो फिर भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद में नई दिल्ली के द्वारा यदि आपने BA MS कर रखा है, जो आयुर्वेद में डिग्री होती दोस्तों, आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं उनके लिए भी है। और एज की बात करें तो इसमें आयु सीमा जो दी गई है 21 से 40 वर्ष के बीच दी गई है, और जो दिनांक 1/5/2021 में गिने जाएंगे, और इसमें कुछ वर्गों को छूट दिया जाएगा, जैसे कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को छूट दिया जाएगा। और इसमें जो मूल निवासी है दोस्तों, मूल निवासी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता रहेगी जो 15 मई से 31 मई के बीच में रहेगी दोस्तों, और इसकी अंतिम तिथि जो है, तारीख है, वो 31 मई 2021 है। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ अफसर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ अफसर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। और ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नहीं हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को पॉइंट देखने वाली बात है कि इस बार ये ऐड किया है जो ये शर्तें, तो सर्टिफिकेट यदि आप प्राप्त कर लेते हैं उसके पश्चात आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करना पड़ेगा। कम से कम 3 साल के तो आपको ड्यूटी वहाँ पे देनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसा इसमें कहा गया है। और साथ में इस बार ये बता दिया कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर सकते हैं तभी आवेदन करें। ये पॉइंट यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात है। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। तो ये आपको ध्यान रखते हुए आवेदन करना है, और दोस्तों को भी ज़रूर बताएँ ताकि वो बाद में यदि कोर्स कम्प्लीट कर लें और गाँव में रह ना सकें, इस स्थिति में वो अभी से ध्यान रखें। और आगे चलिए देख लेते हैं आगे भी थोड़ा से। अब यहाँ पे दोस्तों जो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण शुरू होगा वो 21 जून या 21 जुलाई एवं 21 अक्टूबर में परीक्षा हेतु नियम है। अब ये नियम में सामान्य देखिए नियम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH के प्रोग्राम स्टडी सेंटर प्रशिक्षण एवं नियम कहलाएंगे। इसमें जो उम्मीदवार को लागू हो गए वर्ष वो 2021 में मध्य प्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रवेश लेना है। उसके बाद फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन पूर्णता पश्चात अनुसार अभ्यर्थी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ अफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। ये जो आप 6 महीने कोर्स कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद भी आपको कम्युनिटी हेल्थ अफिसर में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी दी गई दोस्तों, तो जून में जो पोस्ट लेंगे 585 पोस्ट दिया जाएगा, उसके बाद जुलाई में 1680, अक्टूबर में 585, टोटल जो है 2850 का पोस्ट दिया है दोस्तों, ये यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग की शेष 441 सीटों का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार लिया जाएगा दोस्तों। अभी भी ये उच्च न्यायालय में OBC के लिए कुछ पद के लिए रोका गया है जो अभी चल रहा है, उसमें कोर्ट में चल रहा है। और उसके अलावा दोस्तों टेस्ट से तात्पर्य क्या है, ऑनलाइन राइटन टेस्ट सर्टिफिकेट
कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सिलेक्शन टेस्ट में आपको एमपी एमएसयू की आशा है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के बारे में बताया गया है। विभाग से तात्पर्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग मान्य नहीं होगा, कौन से जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से पास किए हैं या तो फिर आपने भोज विश्वविद्यालय से पास किए हैं या स्वाध्यायी विश्वविद्यालय से पास किए हैं तो उन लोगों का चयन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे जो वेबसाइट दे रखी है www.sames.co.in पर यहाँ पे सारी चीज़ें आप जाकर खुद ही पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी यहीं से आप कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या बोला गया है यहाँ पे। जो मल्टीपल क्वेश्चन आपके साथ पूछे जाएंगे, जो कितने अंक का रहेगा, 100 अंक का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और परीक्षा केंद्र जो है इसकी वेबसाइट में परीक्षा केंद्र सेम्स द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। और न्यूनतम आपको कितना है, न्यूनतम आपको 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स हेल्थ ऑफिसर में स्टडी सेंटर के चिन्हित मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आकस्मिक परिस्थितियों में केंद्रों के तथा दर्शाई गई प्रशिक्षण क्षमता में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों ये तो फिर उसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है, वो आगे पीछे कुछ भी कर सकता है, तो आपको भी पता है। अब यहाँ पे आप दस्तावेज में जो बात करें तो दस्तावेज में आपको बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जेएनएम बीए एमएस की उत्तीर्ण अनुसूची और इंटर्नशिप कंप्लीट की भी सर्टिफिकेट चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, बारहवीं की अनुसूची, मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, और आर्थिक रूप से यदि कमजोर हैं आप तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना रहेगा, निःशक्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना रहेगा, और राष्ट्रीय रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिलिंग मध्य प्रदेश, आयुर्वेद, यूनानी, जिस भी आप पद्धति से पास हैं वो आपको वहाँ पे वैध पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे उसके अलावा क्या मांगा गया है आपसे, बंद पत्र। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको प्ररूप राशि में 2,00,000 रुपये का बंद पत्र, जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण पूर्ण होने पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पद स्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम 3 वर्ष कार्य स्थापन की सहमत उल्लेख होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 3 वर्ष तक का ये लिखवाना होगा कि हम 3 वर्ष तक संलग्न करेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ये और 500 रुपये का जो स्टाम्प पैड है उसके अंदर लिखवाना रहेगा। और उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र देना रहेगा, वो कब देना रहेगा, जब आप सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद एमबीबीएस डॉक्टर से 15 दिन के भीतर बनवाया हुआ होना चाहिए। एनएचएम में संविदा आधार पर कार्यरत आवेदक को वर्तमान पद से त्याग पत्र दिए जाने की प्रतिलिपि। और यदि आप एनएचएम में अभी जॉब कर रहे हैं और यदि आपको इधर सिलेक्शन हो जाता है गांव के लिए, संविदा के लिए, सीएचओ के लिए, तो फिर आपको एनएचएम से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन लेना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी प्रमाण पत्र की कमी के होने पर आपको अपात्र माना जाएगा और प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रवेश की स्थितियां सेम्स और एनएचएम की वेबसाइट में दर्शाई जाएगी, जो आपको बाद में पता चल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने हेतु उम्मीदवार को 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा के प्रथम स्तर तक ही स्टाइपेंड, परीक्षा शुल्क आदि अन्य संबंधित व्यय का वहन किया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि जो सरकार है वो आपको पहले बार ही यदि आप पास कर लेते हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा, और यदि आप प्रथम बार उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो दूसरी बार आपको अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रथम बार अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को उसी विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा में शामिल होना दूसरा अवसर मिलेगा यदि उन्हें प्रशिक्षित कम्युनिटी हेल्थ अफसर के रूप में नियुक्त किया गया है तो, और यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर से एग्जाम देने के बाद फिर रखा जाएगा। ऐसे उम्मीदवार यदि स्वयं के व्यय पर दूसरी बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें कम्युनिटी हेल्थ अफसर में पद की नियुक्ति किया जा सकता। अब यहाँ पे पहली बार तो सरकार आपको पैसा वहन करेगी, आपको नहीं लगेगा कुछ भी पैसा, लेकिन सेकंड बार यदि आप खुद के पैसे से पास कर लेते हैं तो आपको फिर नियुक्ति दे दिया जाएगा। दूसरी बार भी यदि आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको कम्युनिटी हेल्थ अफसर पद से
नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण संबंधी दिशा और निर्देश, यहाँ पे दोस्तों आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो बॉन्ड देना रहेगा, आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड यहाँ पे देखिए दिया है, 2 लाख रुपए का बॉन्ड मांगा गया है। और उसके अलावा प्रवेश के समय उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु IG यानो मतलब इग्नू या तो मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके उसमें 15,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रुपये जमा करना रहेगा, जो टर्म एंड एग्ज़ाम के बाद आपको वापस कर दिया जाए। और ये 15,000 रुपये आपको कब दे दिया जाएगा, जब आप पास कर लेंगे और आपका पदस्थापना हो जाएगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। और स्टाइपेंड के रूप में 10,000 रुपये प्रतिमाह का प्रशिक्षार्थी छात्रावास की सुविधा पर प्रशिक्षण संस्था द्वारा छात्रावास हेतु निर्धारित शुल्क काटकर शेष राशि भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप जॉब करेंगे वहाँ पे प्रशिक्षण करेंगे तो 10,000 रुपये आपको प्रतिमाह दिया जाएगा, और यदि आप छात्रावास में रहते हैं तो रुपये जो लगने वाले हैं आपकी छात्रावास में तो हॉस्टल में तो वहाँ से आपको काट के जो बच्चे का पैसा वो दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, सब वहीं खर्च हो जाएगा। प्रवेश रद्द करना, ये सारी जानकारी दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और खुद भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी फॉर्म भर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें।